हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। दिस वीडियो इज अ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो ऑफ अ रोस्टिंग वीडियो एंड वीडियो नेम इज वॉच दिस वीडियो बिफोर इट गेट्स डिलीटेड। YouTube वर्सेस TikTok taken from the channel Thuggies। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। तो YouTube को क्या चाहिए? फनी कंटेंट, प्योर ओरिजिनल कंटेंट, या वीडियोस जो लोगों को हंसाए। YouTube को पसंद है देवर भाभी वाले वीडियोस, जिसपे 1 मिलियन तक व्यूज जाए, जिसको लोग देख के पसंद करें ना। Who doesn't like soft porn YouTube? आई नो मेरी थक सेना कोई पसंद है ना। नहीं, अगर आप लोग भाभी वीडियोस डालोगे YouTube पे तो भाई YouTube पे पूरा porn साइट खुल जाता है। और अगर आप एक पेरेंट हो तो 1 मिनट के लिए तो आपकी फट जाएगी कि ये सब क्या है। और फनी थिंग इज, ये वीडियोस में एक्चुअल में मिलियंस में व्यूज जाते हैं और ये एज रिस्ट्रिक्ट भी नहीं होते। और थगेश जिसने इतना वेजिटेरियन वीडियो बनाया था उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो पॉइंट पे आते, सुबह उठ के मैंने देखा कि यूट्यूब पर से कैरे मिराटी, लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई और अलविश यादव की सारी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वीडियोस डिलीट हो गई। पहले तो मैंने मेरे चैनल पे जाके देखा कि भाई मेरी वीडियोस तो डिलीट नहीं हुई ना, तो फॉर्चुनेटली अभी तक तो डिलीट नहीं हुई है। Then I saw कि ये वीडियोस डिलीट क्यों हुई है। ये वीडियोस डिलीट हुई है because it was against YouTube cyber bullying and harassment policy। And अब bullying and harassment क्या है ये तुम सबको पता है। और वही चीज को अगर online messages के through, chats के through या videos के through करें तो वो cyber bullying and harassment हो जाता है। तो इसी चीज के बहुत सारे rules and regulations बना के रखे YouTube ने। तो भाई अभी कैरी की वीडियो डिलीट क्यों हुई? कैरी की वीडियो पर मोर देन 70 मिलियन व्यूज, मतलब भाई कोई नॉर्मल बात है नहीं। और जब कोई वीडियो ऐसा वायरल होता है तो उस पे सबकी नजर होती है, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो अथॉरिटीज हो, या चाहे वो खुद YouTube हो। अब ये भी हो सकता है कि कैरी की वीडियो को मास रिपोर्ट किया हो TikTok वालों ने, बट आई पर्सनली फील के मास रिपोर्ट नहीं किया होगा। लेट्स फेस इट, कैरी मिराटी बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियो को मास रिपोर्ट करके डिलीट करवाना I don't think it's possible। तो it's possible कि वीडियो को डिलीट करा एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ, एंड मोस्ट प्रोबेबली किसी टिकटॉकर की मैनेजमेंट ने डिलीट करवाई है वीडियो। तो जो कैरी मिराटी ने वीडियो बनाया उसमें बेसिकली कुछ अलग नहीं था, ये वही था जो कैरी सालों से करता आ रहा है। बट डिफरेंस यही था कि वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आ गए थे और ये वीडियो से बहुत लोग ऑफेंड भी हो रहे थे। ऑल्सो मेन इशू ये वीडियो का वो हुआ कि कैरी ने जो वर्ड मीठा और बेटी यूज किया था उससे बहुत सारी कम्युनिटीज ऑफेंड हो गई। तो बेसिकली मैंने वीडियो देखा था चिक महारानी का, जिसमें उसने बताया था कि कैसे पूरी कम्युनिटी ऑफेंड हो रही है कैरी के वीडियो से। द मोस्ट पॉपुलर डेरोगेटरी टर्म फ्रॉम दिस वीडियो व्हिच इज गोइंग वायरल इज, मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा तो 200 रुपए में बिक जाएगा। Now I really don't see that how people find this funny or comical in the first place. It's like one of those cheap commentary sessions where you know a lot of misogynistic men and sit and talk about how women are gold digger or how men who don't act manly are gay or queer, and that in a derogatory sense. I mean, this is not a sense of humor. And in this video, उसने बोला कि कैसे छक्का और हिजड़ा वर्ड को as an insult use कर रहे लोग। और the funny thing is, इस वीडियो के बारे में मेरे को मालूम पड़ा अदनान 07 से, क्योंकि अदनान 07 ने उसकी स्टोरी में ये डाला था। And also on the other hand, अदनान 07 हिजड़ा लोग के तरह लाइक करके सब मत करो, जो सबको टारगेट कर रहे हैं और छक्के बोल रहे हैं। इस वीडियो में चिक महारानी ने बहुत कुछ बोला था, यहाँ तक कि उसने कैरी मिराटी के मैनेजमेंट को भी एक लेटर लिख के भेजा था। तो जब मैंने ये नोटिस किया तो सारे यूट्यूबर्स में जो कॉमन बात थी वो थी छक्का या मीठा वर्ड यूज करना। आई पर्सनली अग्री कि ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, ये वर्ड यूज करना किसी को एज एन इंसल्ट बहुत ही गलत बात है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर कि जो भी यूट्यूबर्स ये वर्ड यूज करते हैं वो किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड करने के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कितने लोग ये वर्ड यूज करते हैं, जबकि अदनान को हमने देखा ऊपर से एजाज खान। चेरी मीठा मालूम है क्या? वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा ये मीठा। यहाँ पे आई फील यूट्यूबर्स को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज रैप हो या बॉलीवुड हो हर जगह पे ये वर्ड यूज होता है, तो वहाँ लोगों को कोई टारगेट करता नहीं है। एंड बिकॉज यूट्यूबर्स एक सॉफ्ट टारगेट है, उनकी वीडियोस को इजीली टेक डाउन किया जा सकता है, तो भाई उन पे एक्शन ले लेते लोग। जो ये चिक महारानी का वीडियो था इसमें इसने बोला था कि कैरी मिराटी और लक्ष्य चौधरी होमोफोबिक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ यू कॉल अस मीठा, छक्का और गे for abusing us or direct misogynistic abuses at other people, sorry, it's not roasting or anything funny, it's just your internalized bigotry and homophobia, and propagates homophobia, he basically empowers their homophobia. Now when you accuse someone as a homophobic, aap judgment pass kar rahe ho, and just because kisi ne chhakka ya meetha word bola hai
that doesn't mean कि वो homophobic है, trust me. तो simply अगर आप ये video देख के ये judgment pass कर रहे हो, तो I think you are wrong in that. And मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा, at one point he threatens the target with a sexual crime, saying अंदर से खोल के बजा देंगे. I will rip you open and fuck you. He once again calls the target queer by saying तुम जब हकते हो, तब इंद्रधनुष निकलते हैं ना. है ना, are you serious? इस चीज को तुम लोग ऐसा threat लोगे? PewDiePie अपने वीडियो में हजार बार बोलता है क्यों आप, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो सच में वो करना चाहता है या सच में वो करेगा या फिर ये एक थ्रेट है. कम ऑन यार. चलो चलो, अभी YouTube पर से TikTok चल रहा है, तो TikTok को एज एन एग्जांपल ले लो. मैं कहना चाहता हूं मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा मीठा रस तो बेसिकली कुछ लोग खुद खुद की कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं. यूट्यूब पे तो भाई सिर्फ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, टिकटॉक पे तो भाई खुद ट्रांसजेंडर बन के लोग मजाक उड़ा रहे हैं. पर्सनली आई फील कि वीडियोस डिलीट करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है यूट्यूबर को, और वीडियोस को भाई ऐसे टेक डाउन करना मतलब बहुत डिप्रेसिंग है किसी यूट्यूबर के लिए. सो आई पर्सनली फील कि यूट्यूब को ये वीडियोस वापस लानी चाहिए विद एन वार्निंग, बिकॉज़ लेट्स फेस इट, किसी को छक्का या मीठा बोलना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को इंसल्ट होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट. एंड रही बात यूट्यूब की और रिपोर्ट करने वालों की, भाई भाई कितना कंटेंट है यूट्यूब पर, कितना कंटेंट है, इसको रिपोर्ट करो, इसको निकलवाओ ना. गलती से भाई कोई बच्चा देख लेगा तो एक दिन में बड़ा हो जाएगा. सी ऐसा कि रिस्क है कि मैं अपने वीडियोस में पर्सनली कभी गाली नहीं देता, और छक्का तो वर्ड यूज करना बहुत दूर की बात है. एंड मेरे को यही लगता है कि इसी रीजन की वजह से वीडियोस डिलीट हुई है. एंड हैविंग सेड दैट, कोई भरोसा नहीं यूट्यूब का, मेरा ये वाला भी वीडियो डिलीट हो सकता है, बाकी सारे यूट्यूबर्स टिकटॉक के वीडियोस भी डिलीट हो सकते हैं. नाउ आई डोंट नो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, टिकटॉक वालों की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है या फिर किसी ने जो नोटिस भेजी होगी YouTube को वो रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज मेरा एक वीडियो देख लो टीम 07 का रोल, जिसमें मैंने ना तो कोई गाली दी ना तो कोई छक्का या स्लर यूज किया, फिर भी वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई. सो यस, यू नेवर नो, बाकी सारी वीडियोस भी डिलीट हो सकती है. तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरे को जो भी लगा मैंने बताया. सो आई थिंक यूट्यूबर्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग छक्का और मीठा एज एन इंसल्ट. लेकिन यूट्यूब को उनकी वीडियोस वापस लानी चाहिए, बिकॉज वीडियोस डिलीट करना जस्ट गोस टू फार. तो तुम लोग भी जाओ ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड कराओ ताकि यूट्यूब इंडिया वापस लाए इनके वीडियोस. सो यस, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सीन के बारे में, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ. मैं जनरली बोलता नहीं हूँ कि मेरे को कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, बट मेरे को जानना है कि तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ इस बारे में. तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. फॉलो मी इंस्टाग्राम @MaheshKeshwara. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम. Very nice, good, great. तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इस पर मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, जो कि काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे अंदाज के साथ उन्होंने बनाई, एक चीज़ को वाजे करा और बेहतरीन तरीके के साथ बयान करके, खुलासा करके, तफसील से एक चीज़ को बहुत समझा के और मतलब डिटेल में वाजे करके बताया, जो कि काफ़ी मज़ा आया. मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से इनकी बात को देख रहा था, सुन रहा था, और इनके चैनल की वीडियोस जो होती हैं काफ़ी यूनिक होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जो कि देख के काफ़ी मज़ा आता है. और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जो वीडियोस वगैरह हैं, ये काफ़ी मतलब आप कह लें दो हफ्तों से ज़्यादा ही हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल चुका है कि ये सब बना रहे हैं इसके ऊपर और बात वगैरह कर रहे हैं. और जो रोस्टर्स वगैरह हैं खासकर यूट्यूबर्स के, तो वो इतनी बुरी बुरी गालियाँ पक कर और बना कर और मतलब लोगों को पर्सनल अटैक करके, पर्सनल टारगेट करके ये सब कह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत किस्म की बात है. और जो कि आप कह रहे हैं वाकई में जिस तरह के लफ्ज़ वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि वाकई में, और कैरी मिनाटी की वीडियोज़ के अंदर भी कुछ बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं, जो कि साफ पता चल रहा था कि पर्सनल अटैक और पर्सनल टारगेट किए जा रहे हैं एक ही बंदे के ऊपर, जो कि बहुत ही बुरी किस्म की बात होती है कि मतलब आप कह लें कि आप एक ही बंदे के पीछे पड़ जाएँ और सारे यूट्यूबर्स वगैरह की बंदे के पीछे पड़ जाएँ. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रोस्ट करने के लिए, बनाने के लिए, फ़न के तौर पर, इंटरटेनमेंट के तौर पर. यहाँ पर होता ही है कि वाकई में आमिर ने जो मतलब जो सही बातें वगैरह की थी, जो एक टॉपिक मिल जाता है कुछ तो इस पिटा सब उसी पे लग जाते हैं, तो वाकई में उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें भी उसने बहुत सारी सच और हकीकत बातें करी थी, और जो कि दूसरी वीडियो थी उसमें भी उसने बहुत सारी हकीकत और सच को बहुत अच्छे अंदाज के साथ बयान किया, जो कि बहुत ही कमाल की बात होती है. पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में कोई गाली गलौज, कोई बदतमीज़ी या कुछ भी इस तरह की नहीं थी. और वाकई मैं ये कहूँगा कि यूट्यूबर जो हैं काफ़ी सालों से टिकटॉकर वगैरह को रोस्ट करते आ रहे हैं, उनका जो क्रिंज कॉन्टेंट होता है गलत किस्म का जिस तरह से अभी, तो उसको बुरा भला कहते हैं. और खासकर मतलब फिर वो इस तरह से होता है कि वो कहने का उनका अंदाज ऐसा होता है कि वो मतलब सब में शुमार हो जाता है. तो वो ये कहा करें खास करके हम इनकी बात करें या इस तरह की, तो फिर अलग बात है, तभी मतलब टिकटॉकर वगैरह को बुरा भी लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सारे टिकटॉकर जो है गलत काम नहीं कर रहे, ख़राब नहीं कर रहे. मैं ये नहीं कह रहा कि टिकटॉक पर बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बल्कि टिकटॉक का हिसाब कुछ यूँ कि 95% गलत काम ही हो रहा है, 5% सही हो रहा है. तो जो है जो बुरा भला लोग कह रहे हैं तो वो गलत काम को ही कह रहे हैं, और बनिस्बत जो है फिर वो जो है, और जो मतलब आप कह लें तो फिर बनिस्बत जो है
इस तरह की चीज़ों और इस तरह की बातों को लोगों को समझना भी चाहिए। और फिर पर्सनली जो मतलब अटैक करने लग जाते हैं, अगर एक टिकटॉकर ने वीडियोस वगैरह बना के अपने टिकटॉक के सारे लोगों को सपोर्ट कर दिया, उनकी साइड ले ली, तो उस मतलब इसमें कोई गलत किस्म की बात नहीं है, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स सारे लोगों को ही मतलब शुमार कर लेते हैं ना उसके अंदर, काफ़ी सालों से बनाते आ रहे हैं। जब टिकटॉकर ने वीडियो बनाई रोस्ट वगैरह की तो यूट्यूबर वगैरह से बर्दाश्त नहीं हो सका, वो जो कि आप कह लें बहुत ही कमाल की बात है, और एक वीडियो बनाई और फिर दूसरी बनाई जिसमें कोई गाली गलौज नहीं, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका, और उन्होंने उसके बदले उसको रिप्लाई देने के लिए हज़ारों वीडियो बना दी जिसमें बेताशा गाली गलौज और ना जाने क्या क्या कहा गया और पर्सनल अटैक किए गए, और बकाया DM में जाकर लड़कियों को और बाकी सब लोगों को जो टिकटॉकर्स वगैरह को बुरा भला कहा, जो कि बहुत ही गलत किस्म की बात है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यूट्यूबर जो हैं आप लोग एक तरह से इंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं, लोगों को तफरी के मौके दे रहे हैं, बनिस्बत आप एक तरह से हेट पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ ज़्यादा ना करें तो बनिस्बत अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है और फिर क्योंकि ये जितना मामला इसको और खींचा जाएगा तो और खींचता चला जाएगा। और मज़ा इस वीडियो को देख के अच्छी थी और मतलब अच्छे अंदाज के साथ हमने बनाई है, जो कि देख के मज़ा आया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और फिर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दी आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू शेयर विद मी, आई विल बी एक्सट्रीमली वेटिंग फॉर योर प्रीशियस ओपिनियंस, एंड डोंट फॉरगेट to like, comment and share my video. See you in next video. Take care. Thanks for watching.